25 तक 3 फेज का बिट्स है वो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर क्या है? वन ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या है? बीस है। टू बीस है। टू 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 ठीक है, आपका किस पे डाउट है बोलिए। तो 126 का आंसर बी है। तो जो आंसर नहीं किया तो उन लोग आंसर कर दीजिए, तो पेंसिल के साथ आंसर करके रख दीजिए आपका पास। तो मैं ऐसा आंसर बोल के चला जाता हूँ, तो जो आंसर कर दिया वो चेक कर दीजिए, जो आंसर नहीं किया तो पेंसिल के साथ आप आंसर करके रखिए आपके पास। ठीक है, तो 127 का फीड पाइप प्रेशर MR2 है, 127 का बी है, 128 का हांस MR4 है, 128D, 127B, 128D, 129 एडिशनल कट आउट करके इज क्लोज्ड इन लीडिंग साइड, VP गेज इज लीडिंग साइड में आप बंद किया तो डैश कैप बीपी गेज शो जरी ट्रेलिंग कैप है 129, ये आंसर है। आप आगे में एडिशनल कट आउट का बंद करने से तो आपका एडिशनल कट आउट का एंड एंगल कट आउट का बीच से आपका बीपी कैप का कनेक्शन दिया है, रियर कैप का आगे से पीछे में दिया है, पीछे से आगे में दिया है। ठीक है, तो बीपी गेज का कनेक्शन तो ऑटोमेटिकली आपका 0 शो करेगा पीछे कैप में। इन कन्वेंशनल लोकोस डैश रिजर्वायर प्रेशर इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ लोको बीसी प्रेशर, बीसी प्रेशर MR4 है, MR4 आपका 130D है, 129 ये है, 130D है, 131 है वो डैश नंबर ऑफ पाइप लेंस, 3 आपका MR इनलेट कंट्रोल प्रेशर आउटलेट और आपका इमरजेंसी का पाइपलाइन 131C है, 132 इन कन्वेंशनल लोको मूविंग गैस डेड अलॉन्ग विद ट्रेन टू अवेयर व्हील स्किडिंग डैश टू बी आइसोलेटेड, क्या आइसोलेट करना है? 132 का आंसर क्या है? वन थर्टी टू का आंसर 132 का आंसर C3W सर। तो ऑप्शन आपका कन्वेंशन लोगों को डेड में कर दिया, तो डेड लोगों को कैसे करना है आपको लिख बोला क्या? डेड लोगों को कैसे बनाना है? यस सर। हाँ तो हो गया, तो उसमें क्या होगा आपका, अगर आपका तो डेड लॉक में क्या होता है, ओनली बीपी को पाइप का कनेक्शन का ये करता कपल करता है, दैट इज नॉट ए अमी लॉक। तो डेड लॉक में डेड आपका लॉक डिफेक्ट हो गया, दूसरा लॉक आके लग गया, तो दोनों के बीच में अगर ओनली बीपी पाइप कनेक्ट किया तो आप जब आगे से बीपी ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बीपी जब आप कपल किया तो बीपी का कनेक्शन आपका MR4 में आपका फिलअप हो जाएगा पीछे में डेड लॉक में, तो उसका उसके वजह से क्या होगा, आप जैसे बीपी ड्रॉप करेगा प्रोपोर्शनेट ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगा पीछे में, डेड लोकोमोटिव में लोको ब्रेक अप्लाई हो जाएगा आपका पीछे में, ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए आपको A9 को ड्रॉप करेगा तो उसमें प्रोपोर्शनेट ब्रेक अप्लाई होके लोको ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, तो देर इज अ चांस ऑफ व्हील स्किडिंग। वो कंडीशन में आपका लोको ब्रेक को प्रोपोर्शनेट ब्रेक को अवॉइड करने के लिए आप C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आइसोलेट कर सकता है, आइसोलेट कर देने से अच्छा है। अब जा आप इतना बार A9 से ड्रॉप करेगा पीछे में लोको ब्रेक अप्लाई होते रहेगा, क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, आप ट्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं मगर लोको में ब्रेक अप्लाई होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपका व्हील स्किडिंग होने का चांस है। तो आपका ट्रेन का जो ताकत ज्यादा है वो टेलते रहेगा, तो लोको का ब्रेक इतना जल्दी रिलीज नहीं, जब तक बीपी 5 के जाएगा तो आपको प्रोपोर्शनल ब्रेक रिलीज नहीं होगा। पीछे में बीपी पे पीछे में बीपी ड्रॉप होते से आपका, तो आगे में तो आपके पीवीएफ को दबा रहा है, आगे में आपका लाइव लोको में पीवीएफ को दबा रहा है, इसलिए आगे में नहीं होगा, मगर डेड लोको में कौन पीवीएफ को दबा रहा है? कोई नहीं है डेड लोको में, तो सब बंद कर दिया। पर इसमें क्या होगा, अभी आप बीपी ड्रॉप आगे से बीपी ड्रॉप करने से पीछे लोकोमोटिव में बीपी ड्रॉप होगा, तो उसके वजह से आपका प्रोपोर्शनल ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है, तो पीवीएफ को प्रेस करने से लोको प्रोपोर्शनल ब्रेक अवॉइड हो जाएगा, मगर पीवीएफ को कौन प्रेस करता है? तो उसमें लोको में अंदर कोई नहीं है, उसके वजह से क्या होगा, तो लोको ब्रेक अवॉइड एप्लीकेशन होके अब जब भी बीपी ड्रॉप करेगा तो आपका पीछे में गाड़ी है,
गाड़ी के साथ आप जा रहे हैं, आपका आपका लोकोमोटिव फेल हो गया तो दूसरा मोड लोकोमोटिव आके लग गया, दोनों के बीच में बीपी कनेक्ट किया, तो ट्रेन के अंदर बीपी चार्ज करना है ना, इसलिए दोनों के बीच में बीपी चार्ज किया, तो आगे लोकोमोटिव का बीपी अभी ट्रेन के अंदर चला गया, तो आपका आपका डेड लोकोमोटिव के अंदर में भी बीपी है ना, तो जब ड्रॉप हुआ तो C3W डिस्पुट रोल क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो पीछे का लोको का बीपी का कनेक्शन आपका C3W डिस्पुट रोल में चला जाएगा, और उसका अलावा क्या होगा, तो MR का प्रेशर, ये बीपी से प्रेशर आपका C3W डिस्पुट रोल में चला जाता है, MR4 में जाएगा, तो MR4 का कनेक्शन दे दिया तो आपका C3W डिस्पुट रोल, आपको डाउट आ सकता है तो MR प्रेशर कहाँ से आया, तो MR प्रेशर भी आ जाएगा, ये बी पीछे डेड लोकोमोटिव का MR4 का अंदर ये बीपी चला जाएगा, कनेक्शन है, तो उसके वजह से क्या होगा, C3W डिस्पुट रोल को क्या होना चाहिए, तो MR मिलना चाहिए, बीपी मिलना चाहिए, तो मिल गया, जब आप बीपी ड्रॉप करेगा तो MR का फर्दर आपका लोको ब्रेक सिलेंडर में चला जाएगा, तो ऐसा सिस्टम दिया है, तो इसका आइसोलेट करने के लिए आपको C3W डिस्पोर्ट वाल्व का आइसोलेट कर देना है। कन्वेंशन लोकोस वन, तो 132 का आंसर ये है, 133 इन कन्वेंशन लोकोस 8 क्रैक पोजीशन व्हाइल वर्किंग विद कैप टू, कैप टू लीडिंग क्या, कैप वन लीडिंग क्या, क्या लीडिंग क्या है, तो ये 8 कटआउट का का हमेशा ओपन करके रखना है सिंगल लोकोमोटिव में, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देता है। 133C है, WAP लोको हैविंग डैश नंबर ऑफ मेन रिजर्वर्स 5 है, हाय 134 5 है, WAP4 लोको ब्रेक सिलेंडर्स 12, 135D है, लोको ब्रेक सिलेंडर्स 8 इन WAG5 एंड WAG7, 12 इन WAP4, 135D है, 136 नॉर्मल प्रेशर है, SMGR प्रेशर 2.5 to 3.5, 136 ये है, तो अवेयर लोको व्हील्स कीटिंग डैश टू बी प्रेशर वाइल अप्लाइंग A9, तो A9 अप्लाई करने के टाइम में तो व्हील्स हीट नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, PVF प्रेस करना है, नहीं तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट को ब्रेक का वजह से अभी डिस्कस किया तो लोको ब्रेक अप्लाई हो जाएगा तो व्हील्स हीटिंग होने का चांसेस है, इसलिए PVF को प्रेस करना है। 137B है, तो 138 ऑल लाइन कॉन्टैक्ट्स आर नॉट क्लोज्ड इन WAG लाइव लोको, तो इंश्योर डैश कॉक इन ओपन पोजिशन, कौन सा क्या है, AP2 कॉक, ये सर टू कॉक, तो क्यों आपका HT3 कंपार्टमेंट में आपका ऑल लाइन कॉन्टैक्टर्स प्रोवाइड किया तो आपका ऑटोमेटिकली EP2 कटआउट का होगा, कितना नंबर आप लोग डिस्कस कर रहा है, 131 तो वाइल स्टार्टिंग लोडेड ट्रेन 139, देखिए 138 का ये आंसर है, 139 का वाइल स्टार्टिंग लोडेड ट्रेन विद कन्वेंशन लोकोस फ्रॉम यार्ड to avoid loco wheel slipping dash which is to be pressed ZQWC and PSA, जब ZQWC प्रेस करेगा तो लीडिंग व्हील का लीडिंग व्हील एंड आपका अब कैब वन से करने से 124 में, कैब टू से करने से तो आपका 65 एंड 3 में शंटिंग कॉन्टैक्टर्स क्लोज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका तो फील्ड वीकनिंग होगा, फील्ड वीकनिंग होने से आर्मेचर का रोटेशन ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली आगे आगे जो एक्सिल्स है लीडिंग एक्सल्स का ताकत बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वेट कंपेंसेट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, तो आगे में आपका वेट कंपेंसेट नहीं होगा, पीछे से आपका लोड का ताकत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आगे में वेट कंपेंसेट नहीं होगा, थोड़ा लिफ्टिंग टेंडेंसी आ जाएगा, तो कभी भी गाड़ी के ऊपर जो पीछे में जो लोड ज्यादा है तो क्या होगा, तो फ्रंट व्हील अब क्या होता रहेगा, तो लिफ्ट होते रहेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, तो हम लोग उसको ताकत को बढ़ाना चाहिए, ताकत को हम लोग कैसे बढ़ाएगा, तो शंटिंग कॉन्टैक्टर को उसको शंटिंग रेजिस्टेंस को फील्ड भी तो फील्ड कोयल को पैरेलली अटैच करेगा तो बाय यूजिंग ZQWC, तो शंटिंग कॉन्टैक्टर का यूज क्या होता है लोगों में, फर्स्ट आपका MPS यूज, MPS को प्रेस करने से आपका तो ऑटोमेटिकली 20th नॉच का बाद, 20th नॉच का बाद आपका अटेनिंग मैक्सिमम वोल्टेज टू द लोकोमोटिव, तो आपका आर्मेचर का स्पीड बढ़ाना है तो आप क्या करेगा, MPS को यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली शंटिंग रेजिस्टेंस ऐड होकर आपका फील्ड वीकनिंग होगा, जब फील्ड वीकनिंग होगा तो ऑटोमेटिकली आर्मेचर का रोटेशन इंक्रीज होगा तो लोको का मोटर का स्पीड इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली लोको का स्पीड भी इंक्रीज होता है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में ZQWC प्रेस करने से भी आपका शंटिंग कॉन्टैक्ट काम में आएगा, तो सब काम में नहीं आएगा, सब काम में नहीं आएगा, जो आपके MPS 4 में
MPS 4 बात डालने से क्या सेंटिंग रेजिस्टेंस ऐड होता है, वही सेंटिंग रेजिस्टेंसेस ओनली 1-4 एंड 3-5-6 में व्हीलर का एक्सल नंबर्स में ऐड होगा। तो आपका स्टार्टिंग टाइम में हेवी लोडेड ट्रेन्स आपका यार्ड से स्टार्ट होने के टाइम में आपका वेट को कंपनसेट करने के लिए काम आएगा। तो उसका साथ में आपका पीएसईआर को भी प्रेस करेगा तो व्हील शिप को अवॉइड करेगा। तो अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर लो को है तो बीपी क्यूडी भी प्रेस कर सकता है, ठीक है। तो नॉन माइक्रो प्रोसेसर लो को होने से जेड क्यू डब्ल्यू सी एंड पीएसईआर, अगर माइक्रो प्रोसेसर लो को होने से जेड क्यू डब्ल्यू सी पीएसईआर बीपी क्यूडी, तो सब दबा के गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। जब थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली 1-10 नॉच। तो ZQWC एंड PSA आंसर आंसर डी है उसका। तो PSA प्रेस करने से ऑटोमेटिकली तो सैंड है उन लोग सैंड बॉक्स में जो जहां जहां TRS पॉइंट है तो वहां उन लोग सैंड डालता है, तो ड्राई सैंड और सैंड बॉक्स में स्टोर करके रखते हैं। जब आप PSA प्रेस करेगा कैप से पेडल स्विच फॉर सैंडिंग तो आपका VSA एनर्जाइज होगा। तो VSA एनर्जाइज होने से आपका सैंडर्स का जो MR2 का प्रेशर जाके आपका सैंड बॉक्स में जाएगा, सैंडिंग नाजिल में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उधर फोर्स के साथ आपका सैंड जाके उधर रहेगा। तो ऑटोमेटिकली फोर्स जब वो एयर प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, सैंड आपका स्प्रे होगा व्हील एंड रेल का बीच में सैंड स्प्रे होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका एडहेजन इंक्रीज होगा, तो ग्रिपिंग फोर्स इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग टाइम में लोड गाड़ी स्टार्ट करने के टाइम में आपको थोड़ा ताकत मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपका स्टार्टिंग मिल जाएगा, आपका धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। 139 डी है, ब्रेक पे प्रेशर 140 देखिए, ब्रेक पे प्रेशर शुड बी डैश केजी सीएम स्क्वायर इन लोकोमोटिव एंड डैश केजी सीएम व्हेन ट्रेन हैविंग 58 व्हीकल्स, 58 व्हीकल्स होने से 4.7 है। तो 140 मोर देन 58 व्हीकल्स होने से 4.7 बोला है सर, 58 व्हीकल्स 4.8 एंड नॉट होना सर, ऑफ सर। तो आपका 140 ये होगा, 140 ये तो मिनिमम एफपी प्रेशर पे फीड पे प्रेशर आपका 6 केजी है तो 5.9 है 144 5.9 है 5.8 है। तो 141 का आपका 141 का बी होगा, ए होगा ना सर, 5.8 लिखा क्या? यस सर। हाँ ठीक है, 5.8 लिखिए। तो आपका मिनिमम एफपी प्रेशर शुड बी इन लोकोमोटिव एंड रियर एसएलआर, ठीक है 5.8 लिखिए, 141 ये है। इन WAG7 ऑल लाइन कॉन्ट्रैक्टर्स आर नॉट क्वालिफाइड टू इंश्योर कॉक इन ओपन पोजीशन, तो EP1 एंड EP2 क्यों, आपका हिस्ट्री 1 में हिस्ट्री 3 में रहेगा ना, तो इसलिए EP1 एंड EP2 कट आउट है। 142 डी है, 143 इन कन्वेंशनल को डैश सीपी इंडिविजुअल सेफ्टी वाला 11 केजी है, 143 7 लिखिए सीसी, 143 सी है। 144 व्हेन बीपी ड्रॉप्स बिलो 4.4 इन बीपी गेज विदाउट A9 स्टार्ट्स फंक्शनिंग, क्या होगा, ऑटो फ्लैश लाइट, जब बीपी ड्रॉप नहीं किया हम लोग A9 से फिर भी आपका बीपी ड्रॉप हो गया तो अदर देन A9 से बीपी ड्रॉप हुआ तो ऑटो फ्लैश लाइट होगा, ACP इंडिकेशन आएगा बोथ ए एंड अबव, ए एंड बी अबव, तो 144 सी है, 144 सी। 145 इन कन्वेंशनल लोको इफ ALP इज ड्राइविंग फ्रॉम ट्रेलिंग कैब एंड लोको पायलट इज कंट्रोल फ्रॉम लीडिंग कैब डाउन टैक्सी KMPS स्पीड 40, 145 ये है। तो ALP आपका ड्राइविंग ट्रेलिंग कैब से ड्राइव कर रहा है, आपका लोको पायलट आगे में गाड़ी कंट्रोल करने के लिए रहा है, गाड़ी को खड़ा करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो 40 KMPH, अगर आपका ALP आगे में है पीछे में LP है तो 15 KMPH। तो 146 इन कन्वेंशनल लोको RGB इज कनेक्टेड इन डैश पाइपलाइन, हाँ कौन सा पाइपलाइन, ब्रेक पाइपलाइन, Hmm.
147 in conventional loco, BP pressure is adjusted by keeping A9 feed valve in dash position, release position. तो कभी कभी तो बीपी प्रेशर जो आपका रेगुलेटिंग वाल्व करके बोला था आपका A9 के पास रहेगा, तो कभी कभी क्या होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, रेयर केस में इसको एडजस्ट करना पड़ता है, वो टाइम में A9 को रिलीज में रख के उसको एडजस्ट करना है. 147 बी है, 148 कन्वेंशनल को ऑटो ड्रेन वाल्व विल ड्रेन आउट माइस डैश केजी सीएम स्क्वायर. तो ऑटोमेटिकली ऑटो ड्रेन वाल्व विल ड्रेन आउट माइस 10 केजी सीएम स्क्वायर. तो ऑटो ड्रेन वाल्व कब होगा एडीवी, तो आपका बीएलसीपी 8.5 टू 10 है एंड बीएलसीपी इज क्लोज्ड, तो उन लोग क्या बोलते 8 टू 9.5 लिखा है, तो हम लोग 10 पॉइंट, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 केजी कर दीजिए. तो 148 सी होगा. डिस्टर्ब मतलब आपका बाहर कर देते है. For lowering or for raising the pantograph in three stages, dash valve is provided. Throttle valve, 150B hai. 151 in conventional locos, if ALP is leading cab and loco pilot is controlling from trailing cab, so don't exceed dash kmph speed, 15 kmph. 151B hai. In conventional locos, during RP, loco brake cylinder pressure is above 0.1.0 kg cm square. Dash relay will energize. So automatically RB में आपका brake cylinder pressure 1.0 हो जाएगा, तो SWC energize हो जाएगा. जब SWC energize हो गया, तो उसका normal closed interlock Q50 branch में open हो जाएगा, तो आपका Q50 relay will de-energize and bring GR0. ठीक है? Conventional locos में RB में loco brake cylinder 1 kg above हो गया. ठीक है, तब आर भी जला रहा है, तो अब फिर भी ब्रेक सेंटर में प्रेशर चला गया, कैसे चला गया पता नहीं, चला गया तो ऑटोमेटिकली क्यू एनर्जाइज हो गया, तो एनर्जाइज होकर आपका जीआर को जीरो, आरबी को कट ऑफ कर देगा, नहीं तो व्हील स्पीड हो जाएगा. रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बीपी केस 15 केजी एंड स्क्वायर 5 एंड 6 है, तो बीपी कितना रहना चाहिए, एफपी कितना रहना चाहिए पूछते हैं ना, पूछ रहा है लोगों में, तो 5 केजी 6 केजी. The clearance between brake block and wheel tire should be dash mm, 10 mm. तो ये सब आपका क्लास पढ़ने के टाइम में मैं आपको बार बार इसको रिपीट किया है, आप आराम से कर सकता है, इसको डिस्कशन करने की जरूरत ना, आप ऑटोमेटिकली आप क्लास जो सुनता है अच्छे से, तो आराम से आंसर कर सकते है. तो स्पेशली ये जो बिट बैंक है, बिट बैंक के अंदर बिट्स को हम लोग जब हम लोग डिस्कस करने के टाइम में, तो आपको मैं बोला भी ऐसा ऑब्जेक्ट कुछ ना आएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट कुछ ना आएगा बोल के. सर 152 थोड़ा फिर से डिफाइन कर दीजिए ना. डिफाइन क्या करेगा, तो लोको ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा जाएगा, तो एसडब्ल्यूसी एनर्जाइज होगा, तो एसडब्ल्यूसी एनर्जाइज होगा, तो आपका एसडब्ल्यूसी का इंटरलॉक है Q50 ब्रांच में, वो ओपन हो जाएगा, तो Q50 एनर्जी एनर्जाइज होके आपका GR0 में आ जाएगा. Conventional locos, rear cab A9 handle position is the release mein rakhna hai. 155 B hai, 154 A hai, 154 A, 155 B. To agar aapka paas hard copy nahi hai, to aapka question number dal ke answer likh ke rakhiye. Jiska paas number nahi hai, aapko book nahi hai, तो सीरियल नंबर डाल के, तो मैं एक्सप्लेन करने का टाइम है, ओनली आंसर ये नहीं तो बी ए सी ऐसा लिख के रखिए, जब आएगा तो इसको आंसर कर सकते हैं आराम से, आपका रफ बुक जो है उसमें लिख के रखिए, नंबर डाल के पहले से नंबर डाल के रखिए. 156 द डैश रिजर्वायर इज यूज्ड फॉर बीए टू
बी ए थ्री पैनल्स, तो ऑटोमेटिक बी ए टू बी ए पैनल्स जो आपको ऊपर से एम आर थ्री से जाएगा कंट्रोल रिजर्वायर, कंट्रोल रिजर्वायर होके बी ए टू बी ए थ्री पैनल में चला जाएगा आपका, तो ई पी वन ई पी टू कट आउट कॉक्स, ई पी वन ई पी टू ई पी थ्री कट आउट कॉक्स को ओपन कंडीशन में रहने से, ठीक है। तो ई पी वन फॉर बी ए वन बी ए टू, ई पी टू फॉर बी ए थ्री, ई पी थ्री फॉर बी ए फोर, बी ए फोर नहीं है, बी ए फोर आपका डब्ल्यू ए फोर में आएगा। C to B valve is used for dash pressure creation, maintaining and destruction. So C to A for BP, C to B for BC. C to A बड़ा वाला तो BP का, C to B छोटा तो लोको ब्रेक का, C to A 5 kg का, C to B 3.5 का, ऐसे याद रखिए। In conventional locos, duplex check valve set at 4.9 है, 158 B है, 159 आपका डुप्लेक्स इक्वल जो है आपका एम आर टू से कनेक्शन आया, तो जब तक 4.9 प्रेशर आएगा तब तक वो खुलेगा नहीं, 4.9 एम आर उसके पास आएगा तो उसको सेंस करके तब ओपन होगा, तो ऑटोमेटिकल आपका सैंडर्स का अंदर, एम आर इक्वलाइजिंग का अंदर, फीड पाइप, ये तीनों का डुप्लेक्स सेक्वल वाल से आपका एम आर प्रेशर जाएगा। तो 159 व्हेन बीपीडब्ल्यूएसडब्ल्यू इज प्रेस्ड डैश वाल्व एनर्जाइजेस, तो आपका पता है BPSW प्रेस करने से आपका ME4 एनर्जाइज होगा, तो नॉर्मली 5.5 mm चोक से आपका MR प्रेशर जाते रहेगा आपका C2A का अंदर, जब क्विक क्रिएशन ऑफ BP के लिए, क्विक रिक्रिएशन ऑफ BP, तो रिक्रिएशन कर रहे तो आपका BP चार्ज आपका कहाँ डिस्चार्ज हो गया, नहीं तो VCD अप्लाई हो गया, नहीं तो BPMS प्रेस कर दिया, वो कंडीशन में आपका BP को क्विकली चार्ज करना है लोगों में, तो आपका BPSW को प्रेस करने से तो ME4 एनर्जाइज होगा, तो MR प्रेशर आपका 5.5 mm चोक के साथ 19 mm चोक से भी आपका MR प्रेशर जाएगा, तो आपका क्विक चार्ज ऑफ MR में भी हेल्प्स टू सर 157 में क्या आएगा, 157 में लोको बीसी है, सीटीबी रिले वाल किस में आएगा, आपको सीटीबी वाल किस में आएगा, कौन सा सर्किट में आएगा, तो बिफोर 1250 लाइन ये है ME4 एनर्जाइज होगा, तो आपका 19 mm चोक भी ओपन होगा। ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ एयर इनटेक कॉक क्लोज है, एयर इनटेक कॉक बोलने से आपका तो 160 ये आपका MR2 के बाद एक एक्सटर्नल कनेक्शन है, 160 ये है, 161 इन कन्वेंशनल SS2 वाल्व इज सेट अप एट SS2 वाल 10.5 है, SS2 मतलब आपका MR2 एंड MR3 के बीच में जो सेफ्टी वाल्व है वही है, ठीक है, तो 10.5 में आपका एक एक रखेगा, तो आपको जैसे आपका RGCP डिफेक्टिव है तो आपको 10 kg कुछ नहीं होगा, तो जैसे 10.5 हो जाएगा तो BLCP आप लगा के रख दे, तो जैसे 10.5 होगा तो ऑटोमेटिकली SS2 ब्लो अप करते रहेगा। MU2B having nice number of positions to lead and trail. In conventional loco, proportional working pressure with A9 to 1.8 है, तो limiting valve में 1.8 okay, तो 1.8 pressure आपका proportional work में normally SA9s का साथ apply करेगा, तो 3.5 kg cm² pressure जाएगा brake cylinder का अंदर, तो आपका loco brake apply होगा। जब आप A9 apply करेगा, तो आपका only 1.8 proportional break application होगा, local break तो 1.8 होगा, पूरा 3.5 नहीं जाएगा, तो limiting valve में limiting होके आपको 1.8 जाएगा। 164 normally dash cocks to be open, dash cocks to be closed for air drain, normally मतलब normal working में आपका green cocks open में रहना है, red cocks बंद में, red cock मतलब bypass cock, red cock is equal to bypass cock, बस इतना याद रखिए, green cock normal, तो ग्रीन कॉक्स 2 रहता है, रेड कॉक 1 रहता है। हमारा एयर रेल इज कनेक्टेड बिटवीन 2 एंड 3,
165 बी है, 164 ग्रीन एंड रेड, 164 बी है, 163 सी है, 166 इन कन्वेंशन लोकस फॉर डिस्चार्जिंग बैक प्रेशर फ्रॉम सीपी डिलीवरी पाइपलाइन डैश वाल्व सर ऑटो अनलोडर वाल्व है, अनलोडर वाल्व ज्यादातर क्या लगता है अनलोडर वाल्व ऑटो ड्रेन दोनों ए एंड बी लिख देता है, तो ऑटो ड्रेन अलग है बैक प्रेशर के लिए ओनली अनलोडर है, ठीक है। तो 167 में क्या है मिनिमम डैश केजी सीएम स्क्वायर प्रेशर इज 3.8 तो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन कोच एंड वैगन आपको बताया है, आप जितना भी जीरो करो 1.5 करो सेम इफेक्ट, ठीक है, तो 3.8 ही जाएगा। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर प्रेशर इन कोच एंड वैगन 3.8। एट कटआउट का पोजीशन इज इन एमयू लीडिंग लोको एंड इन एमयू ट्रेलिंग, तो एट कटआउट का काम एमयू लीडिंग लोको में ओपन में रखना है, एमयू ट्रेलिंग में बंद करना है, तो आपका बीपी चार्जिंग ओनली में आगे से होगा पीछे में, तो पीछे वाला एमयू लोकोमोटिव में पीछे वाला ओनली आपका ट्रैक्टिव एफर्ट क्रिएट करने के लिए और कुछ काम का नहीं है, तो एक लोको से होगा तो नहीं होता नहीं है, तो असल में दो लोगों को लेके आया मैं लोड को खींचने के लिए, तो उससे मेरे को चाहिए ओनली ट्रैक्टर एफर्ट, तो ब्रेकिंग इक्विपमेंट सब आगे से होना है, तो जहां से हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं वहां एक्टिव रहना है, पीछे में एक्टिव क्यों हो रहेगा, पीछे में सब बंद कर देना है पीछे में, तो पीछे लोकोमोटिव नथिंग बट ए वैगन, ओनली नीचे से ब्रेक पाइप चला जाएगा तो प्रेशर चला जाएगा ट्रेन का अंदर प्रेशर चला जाएगा, तो ब्रेकिंग ऑपरेशन SN9 इनलेट आउटलेट सब बंद कर देते हैं दोनों कैब में, एट बंद, एमयूटीबी ट्रायल, आईपी कट आउट का बंद, सब बंद है, न्यूमैटिक कंप्लीटली डीएक्टिवेटेड न्यूमैटिकली, ओनली C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, तो उसको भी आप ये कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो आगे से आप बीसी आपका जब गाड़ी खड़ा होता है एमयू लोको में आप लोको ब्रेक अप्लाई करेगा आगे से, तो पीछे में भी लोको ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, बीच में बीसी इक्वलाइजिंग पाइप कनेक्टेड है ना, तो उससे प्रेशर चला जाएगा, जो बीसी इक्वलाइजिंग का कनेक्शन है आपका, तो ऑटोमेटिकली आप आगे से अप्लाई करेगा बीसी एप्लीकेशन, तो ऑटोमेटिकली थ्रू बीसी इक्वलाइजिंग पाइप जाके आपका एफएन सेल्टर वाल्व होके तो लोको ब्रेक एप्लीकेशन पीछे में भी हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा टायर्ड लगता है, बहुत गर्मी है आज वाल्टर में, बंद कर दे रहा हूँ, तो आपका रहने से मीटिंग में रह के अगर कुछ डिस्कस करना है तो आपका